मैम इलेक्ट्रिक फील्ड टा खाली डिस्ट्रीब्यूशन देखला कौन कहितली इलेक्ट्रिक फील्ड जाय पढाई थिला सॉफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसो पढाई थिली बाहर करिवा केमति कोन कहिबी केते गुडा जिंस त अछि केते गुडा जिंस सुन मन दे तो मोर क्वेश्चन देथली तातर तुमको तमे माने जे न्यू आसी छ रोप्य हो रोप्य रोहन समस्त सुन गोटे दिटा क्लास दि तीन टा क्लास हमरा पढाई सल्लुने इलेक्ट्रोस्टैटिक बुझल कि रे तो किसी प्रॉब्लम हबनि सुन खाली न बुझी पे पचारिबो अंदर परे तमरो क्लास हबो देख जते पिला रहिबो परे क्लास हबो बैकअप टा सुन मु तमको गोटे क्वेश्चंस रो देथिली ताथर तुम कोन पचारथिला बाहर करिया को इदर टोटल चार्ज पचारथिबो नहले इलेक्ट्रिक फील्ड केते पचारथिबो एंती सब पचारथिबो अच्छा ए क्वेश्चंस टा सॉल्व करथिलो केते जन सॉल्व करी पठैथिले मु देखिथिली कहिलो रो इज इक्वल टू सपोज देछि गोटे एनीथिंग तुमको देला गोटे स्फीयर देथिबो स्फीयर रे हमको टोटल चार्ज पचाछि गोटे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देछि श्वेता अछु किरे यस मैम अच्छा देखो यहां पे ए क्वेश्चंस मु देइथिली समस्त कहिलो करिथिलो गोटे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देछि हमको टोटल चार्ज बाहर करिवार अछि ब्रजेश सर करथिलो किरे गिरिजा अविनाश के जने दि जन करिथिले मु देखिथिली तमे तले पठैथिलो मु देखथिली कहिबी कि आसीबो समस्त सुन कहिबा मु तम कोन कहिथिली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वन इज योर लैम्डा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अनदर इज सिग्मा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट इज योर रो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो इज इक्वल टू चार्ज पर वॉल्यूम एस ऑर नो कहिथिली मु and rho is equal to for non uniform charge distribution e equal to rho dv if we integrate both side then q is equal to integration of rho dv nahi ki re ha ki nahi ko hela jodi tumu gore volume charge distribution pachari chi rho diya hai chi agar rho diya hoga tumhe volume charge distribution then what is the value of total charge emti questions asu chi entrance re बुझी पाल जोटा कि तुम प्लस टू रे मे बी पढ़ी नथिबो आई थिंक पढ़ी नथिबो पढ़ी एंती क्वेश्चंस रे पढ़ी फाइंड योर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड टोटल चार्ज पढ़ी कि हाँ कि नहीं भी कही पारिबो नि सब पढ़ी देख मन रखिबो सब बेले आमे जेतले नौ छंती वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बाहर करुछंती सपोज तुमको देला गोटे स्फीयर मन रखिबो एबे पेपर पेन जदि रखिथिबो भलो कथा जदि नोट्स करूछ अगर एक स्फीयर दिया हुआ है तुम्हें ए जो डीवी है ए इसका वॉल्यूम एलिमेंट है स्फीयर का अगर एक सर्कल दिया होगा तो वो क्या होगा 2D का एक वॉल्यूम एलिमेंट या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड होगा वो होगा उसका एक्स वाई जेड कार्टेशियन में वॉल्यूम एलिमेंट ए होगा अगर स्फीयर दिया हुआ है स्फीयर का कोऑर्डिनेट क्या होगा रेडियस आएगा दो एंगल है थीटा फाइ देखो यहाँ पे आराम से आर थीटा फाइ आर द कोऑर्डिनेट ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इसको बोलते हैं देखो प्लस टू रे तुम मैंने कहीं भी पढ़ी न थी वो सो ये टाइप के देखो मन देखी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर आर थीटा एंड फाइ ठीक है इसका वॉल्यूम एलिमेंट जो है डीवी क्या लिखेंगे इसको ये याद रखना बिकॉज ये सब ग्रेजुएशन का है तो सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए इसको याद रखना होगा वॉल्यूम एलिमेंट इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा एटा माने रखिबो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइ यस और नो देखो मन देखी द वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ ए स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और स्फीयर आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइ माने रखिथिबो सुनो मन देखी मैम से आर थीटा फाइ कोन कह जाय आ उतरे मेंटे कोन सुना गोटे जितने स्पीयर नवा सुना ये एक्चुअली मैथमेटिकल फिजिक्स ग्रेजुएशन ना जस्ट खाली क्वेश्चंस पाई का मैं क्वेश्चंस देखी थी एंट्रेंस रे जब दी आसीला ये क्वेश्चंस पाई का मन रखिबो आर टा को हमें कहबा रेडियस हां कि नहीं हैला बुझिलु आर टा रेडियल पार्ट रहबो थीटा एंड फाइ टा तार कोन रहबा एंगुलर पार्ट एटा थीटा एंड फाइ एटा को जे अजीमुथल एंगल जस्ट खाली मन रख अजीमुथल एंगल 3D अछि तो एटा ओनली एंगल हम कहउछन आर थीटा फाइ ए जो रेडियस टा रहउछि रेडियल पार्ट टा तार हम समस्तन कर एथि लिमिट भी नबा
रेडियल पार्ट जो रोज रेडियल पार्ट लिमिट आसो जीरो टू इनफिनिटी बुझल कौन मुझे लिखी जीरो टू इनफिनिटी ता माने एठी जतले मो रेडियस ता आर नेबी हमको पर्टिकुलर रेडियस कांस्टेंट रहला आर देला ता माने रेडियल पार्ट पई तमे लिखबो जीरो टू आर बुझिलो एबे सब बेले पई माने रखबो प्योर देला जतले हम लिमिट नबा जीरो टू आर आ गोटे रहला कोन थीटा फाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई थीटा एंड फाई का क्या हो जाएगा लिमिट फॉर थीटा इट इज जीरो टू पाई एंड फॉर फाई इट इज जीरो रू टू पाई ठीक अच्छी ठीक है श्वेता हो रहा है देखो यहाँ पे सब देखो यहाँ पे जीरो टू आर फॉर रेडियल पार्ट थीटा एंड फाई फॉर थीटा इट इज जीरो टू पाई फॉर फाई इट इज जीरो टू टू पाई सरला समस्त इतक मन रखता कर अविनाश हो सुब्रत स्पंदन हो किंबा रो नॉट मुनेली रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर एटा तुमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देछि गोटे स्फेरिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देछि व्हेयर इट्स चार्ज डेंसिटी रो ऑफ आर इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर ठीक है तो फाइंड आउट इट्स टोटल चार्ज क्यू हमें पता है रो इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी वी इसका मतलब क्यू इक्वल टू रो डी वी इसका मतलब q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो नॉट 1 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल r इनटू dv एस और नो समझते बुझिल कि बेटा मैम ने कोन पढ़े छन आंसर टी कह दियो कोन पढ़े छि माने माने कोठ आरंभ करले मो ऐप टा खोल रो छ एना खोलला तोर सब बेले पछरे आउ थोर कहला बेल को देखिलो टाइम गुडा जाउनी देखो स्पेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जदि देछि गोटे एनी फंक्शंस तुमको देथिबो चार्ज डेंसिटी रो एंड स्पेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ए होगा r थीटा फाई इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द स्फीयर्स r थीटा फाई स्फीयर स्पेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो अगर हमें एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देगा रो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q टोटल चार्ज क्या होगा हमें पता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो इक्वल टू dq / dv ठीक है so dq equal to integration of dq equal to rho dv and q equal to integration of rho dv ठीक है रोहन रोप्य हो छि यस मैम देखो so q is equal to integration of rho dv तम काम हैला स्फीयर देई छि तम्मे मने रखिबो कोन तारा वॉल्यूम एलिमेंट केते स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट मींस स्फीयर टर्म आसीला तार वॉल्यूम एलिमेंट तुमको मु केवल कोन कहली माने रखो तुम किछि भी माने रखनी कोनोसी जिंस माने रखनी कोठो आसीला भी माने रखनी तुम केवल डीवी ता माने रखो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई ठीक है एंड व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेडियल पार्ट एंगुलर पार्ट 0 टू आर इज द लिमिट ऑफ रेडियल पार्ट 0 टू पाई इज द लिमिट ऑफ थीटा 0 रु 2 पाई इज द लिमिट ऑफ फाई सल्ला समस्तकर हैला बुझिलाटा स्पंदन हला कि रे साहिल हला समस्त को देखो अविनाश देखो समस्त तुमको एठे म कोन कहली गोटे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देला रो आर रो ऑफ आर इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट गोटे एंट्रेंस रे देखिली क्वेश्चंस देखी छी गोटे एंट्रेंस रे थिला तमरो सो सेथि पई का करबा कथा तमे केवल मन रखो व्हेयर रो नॉट वैल्यूज तुम गिवन हैला रो नॉट इज एनी वैल्यूज तुमको देती लेट रो नॉट वैल्यू तुम क्वेश्चंस रे देची 3 क्यू बाय पाई आर क्यू एटा देला न देले भी हम किछ नै रो नॉट एज रो नॉट रखिबा 1 माइनस हां 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर जहां भी दो मु एठी गोटा हापा जेटली नेली बुझि पालो क्वेश्चंस हमको जहां भी दो हमें जस्ट करिवार अछि देखिवार अछि केमती बाहर उछि क्वेश्चंस हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जहां भी दो बुझि पालो कि सो रो नॉट इक्वल टू 3 क्यू बाय पाई आर क्यू गिवन अछि दो कि न दो एटा जदि न दब मु रो नॉट आज इट इज रखिबी जदि देछि मु कोन करबी सब बाहर कर सला पर एंड रे वैल्यूटा पुट करबी हम कि नै हे गेला
ଆମକୁ ପଚାରିଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ ଟୋଟାଲ ଚାର୍ଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିନି ଆକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମକୁ ପଚାରିଥିବ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଇନସାଇଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ କେତେ ମୁଁ କହିବି ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବି ଏବେ ତମକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ ଟୋଟାଲ ଚାର୍ଜ ଟୋଟାଲ ଚାର୍ଜ ଆମର ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଟୋଟାଲ ଚାର୍ଜ ଆମେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ୍ୟୁମ ଚାର୍ଜ ଡେନ୍ସିଟି ରୋ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଡି କ୍ୟୁ ବାଇ ଡି କ୍ୟୁ ଠିକ ସୋ ଡି କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ରୋ ଡି ଭି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ବୋଥ ସାଇଡ କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଅଫ ରୋ ଡି ଭି ଟୋଟାଲ ଚାର୍ଜ ଲେଟ୍ ଆର୍ ଇଜ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ଇଜ ଦ ରେଡିୟସ ଅଫ ଦ ସ୍ପିୟର କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ସୋ କ୍ୟୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ରୋ ମତଲବ ରୋ ନଟ ୱାନ୍ ମାଇନସ ସ୍ମଲ ଆର୍ ବାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡିଭି କେତେ ଆସିବ ଡିଭି ବ୍ରଜେଶ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ସାଇନ୍ ଥିଟା ଡି ଆର୍ ଡି ଥିଟା ଡି ଫାଇ ଏ ସର୍ ନୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ ସରିଲା ଯେତେବେଳେ କେତେଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଆସୁଛି ଗର୍ଲସ ମାନେ କହିବ ତିନିଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଆସିବ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ରେଡିଆଲ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଲାର ପାର୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଜିମୁଥାଲ ଆଙ୍ଗେଲ ପାଇଁ ତିନିଟା ଆସିଲା ରେଡିଆଲ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ଜିରୋ ଟୁ ଆର୍ ବିକଜ ଅରିଜିନାଲ ରେଡିୟସ ଇଜ୍ ଆୱାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ସେ ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ରେ ଦେବ ସ୍ଫେରିକାଲି ସିମେଟ୍ରିକ ହାଭିଂ ରେଡିୟସ ଆର୍ ଦେଲା ଫର ଥିଟା ଜିରୋ ଟୁ ପାଇ ଫର ଫାଇ ଜିରୋ ରୁ ଟୁ ପାଇ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ ହେଲା ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ରୋ ନଟ ର କିଛି କାମ ନାହିଁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସ ବାକି ତକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଅଛି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ମତେ ଜଣେ କି ମେସେଜ କରିଥିଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ସଲିଡ ଆଙ୍ଗେଲଟା ସାଇନ ଥିଟା ଡି ଥିଟା ଡି ଫାଇ କୁ କୁହାଯାଏ ସଲିଡ ଆଙ୍ଗେଲ ସାଇନ ଥିଟା ଡି ଥିଟା ଡି ଫାଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଅଗର ଇସକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରେଙ୍ଗେ ତୋ ସାଇନ ଟା କେ ପାସ କିଏ ଆଏଗା ଡି ଥିଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଜିରୋ ରୁ ପାଇ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଫାଇ ଇଏ କ୍ୟା ହୋ ଯାଏଗା ଡି ଫାଇ ଲିମିଟ କ୍ୟା ହୋ ଯାଏଗା ଜିରୋ ରୁ ଟୁ ପାଇ ଠିକ ହେ ଜିରୋ ସେ ଟୁ ପାଇ ମୁଁ ବୋଲ ରହି ହୁଁ ଅଭି ସାଇନ ଥିଟା ଡି ଥିଟା ଡି ଫାଇ କା ଅଗର ଇସକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରେଙ୍ଗେ ତୋ କ୍ୟା ହୋ ଯାଏଗା ଭାଲ୍ୟୁ ବତାଓ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରେଙ୍ଗେ ତ ବାସ ଇସକା ସାଇନ ଥିଟା ଡି ଥିଟା ଜିରୋ ରୁ ଜିରୋ ସେ ପାଏ ଆଣ୍ଡ ଡି ଫାଇ ଜିରୋ ସେ ଟୁ ପାଏ ତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କ୍ୟା ହୋଗା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ପତା ହେ ୟା ଫିର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ମେ କରୁଙ୍ଗି ସାଇନ ଥିଟା କା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କ୍ୟା ହେ ମାଇନସ କସ ଥିଟା ମାଇନସ କସ ଥିଟା ଭେରି ଗୁଡ ମାଇନସ କସ ଥିଟା ଲିମିଟ କ୍ୟା ହେ ୟହାଁ ପେ ଜିରୋ ଟୁ ପାଏ ଲିମିଟ ପାଏ ଡି ଫାଇ କା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କ୍ୟା ହୋଗା ଫାଇ ଫାଇ ଲିମିଟ କ୍ୟା ହେ ୟହାଁ ପେ ଜିରୋ ସେ ଟୁ ପାଏ ଭେରି ଗୁଡ ଜଣେ ମତେ ପଚାରିଥିଲା କି ସଲିଡ ଆଙ୍ଗେଲ ଶୁଣ ମାଇନସ କସ ଥିଟା ପାଏ ଜିରୋ ଟୁ ପାଏ ଫାଇ ଜିରୋ ସେ ଟୁ ପାଏ ମାଇନସ ସାଇନ ୟହାଁ ପେ cos pi upper limit के लिए थीटा का जगह क्या पुट करेंगे pi lower limit के लिए एक माइनस आता है yes or no थीटा का जगह क्या पुट करेंगे जीरो cos जीरो देखो कैसे लिमिट पुट करते हैं ठीक है हो गया के बुझी परुनी पचारी वो लिमिट पुट d phi यार इंटीग्रेशन अच्छी phi phi upper limit कितने अच्छी 2 pi मु phi जगह 2 pi लेकिन lower limit माइनस बटे आसी हो अगेन lower limit मु कितने लिख ली जीरो देखिलो हबो कि नहीं माइनस वन इंटू माइनस वन ये हो गया माइनस टू यहाँ पे एक माइनस टू इंटू टू पाई तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फोर पाई ये सर नो फोर पाई को बोलते हैं सॉलिड एंगल ठीक है इसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल ओमेगा में रिप्रेजेंट करते हैं ये तो नहीं है अभी अभी के लिए क्या होगा देखो साइन थीटा डी फाई जो है अभी इसका इंटीग्रेशन क्या लिखना वैल्यू फोर पाई अभी जो तुम लोग नेक्स्ट फर्दर जो भी प्रॉब्लम करोगे सॉल्व तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट जीरो से पाए साइन थीटा लिमिट जीरो से टू पाए फाइ ऐसे मत करना ठीक है डायरेक्टली लिखना फोर पाए इसका काम खत्म साइन थीटा डी फाइ फोर पाए समस्त बुझे है गला सरला आउ तार इंटीग्रेशन इंडिविजुअल नहीं करिवनी डायरेक्टली काहेकि ना कितेटा जिंस अछि डायरेक्टली करिवा आउ इंटीग्रेशन करि टाइम वेस्ट करिवनी कि सेठी आउ एते टाइम नै बसि कि सॉल्व करिवा पई सो 4 पाई बाहर को गला रो नॉट बाहर को गला एबे इंटीग्रेशन 0 से r 1 माइनस r बाय r इनटू r स्क्वायर dr देखो यहां पे हो गया गिरी जा हला यस मैम बुझला समस्त हे गला यस मैम
देखो हला देखो समस्त एबे हम एतकी पाई छथि टोटल चार्ज बाहर करिया पे हम एतकी पाई छथि हां कि नहीं कहो यस मैम सो क्यू इक्वल टू 4 पाई रो नॉट एज इट इज बाहर को आसीला स्पंदन होउछि 1 इनटू आर स्क्वायर डीआर आर स्क्वायर डीआर लिमिट इंटीग्रेशन दबो 0 से आर ठीक है बिकॉज़ हम इंटीग्रेशन करछो जहां थिबो माइनस प्लस इंडिविजुअली करिवो माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इनटू क्या होगा आर स्क्वायर डीआर लिमिट क्या होगा 0 से कैपिटल आर ठीक है देखो इंटीग्रेशन यदि न जानथिबो कहिवो सरला सो टोटल चार्ज q इज इक्वल टू 4 पाई रो नॉट व्हाट इज द इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर डीआर आर क्यू बाय 3 आर क्यू बाय 3 जानि न कि रे कोन ले चुप हो जाउ त काई जद न जान सो टाइम अछि भी करिया पई चुप की बसिबनी माइनस रहिला आर तो बाहर को आसी जीव बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर मींस हमें स्मॉल आर में करना है यहां पे 1/r आ गया बाहर r इनटू r स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा r क्यू का इंटी जो लिमिट इंटीग्रेशन करेंगे r क्यू का इंटीग्रेशन रोहन कितना होगा r 4 / 4 r 4 / 4 लिमिट यहां पे क्या हो जाएगा 0 से r 0 टू r वेरी गुड सरला एबे मते कहो टोटल चार्ज q इज इक्वल टू 4 पाई रो नॉट रहिला r क्यू / 3 अपर लिमिट कैपिटल r r क्यू / 3 लोअर लिमिट 0 गला 0 रो काम किछ नै एठी तमर अछि 1/r रहिला अपर लिमिट कैपिटल r r 4 / 4 रहिला लोअर लिमिट 0 काम किछ नै देखिलो हला हला सुब्रत ब्रजेश समस्त हला अविनाश हला यस मैम 4 पाई रो नॉट एज इट इज r ये कैंसिल हे गला r क्यू / 3 माइनस r क्यू / 4 एलसीएम नै जाओ 3 4 एलसीएम केते पाइलो 12 12 इति तमर केते सो 4r क्यू माइनस 3r क्यू का केते पाइलो ताले तमे आंसर देखो सोइता ये क्या हो जाएगा टोटल चार्ज 4 पाई रो नॉट इनटू ये क्या हो जाएगा 4r क्यू माइनस 3r क्यू इट इज r क्यू / 12 यस और नो पाइ गेलो पाइलो समझते ये कैंसिल कर दियो केते पाइबो एबे पाई r क्यू / 3 इनटू रो नॉट तुमको जदि रो नॉट वैल्यू देछि पुट करिवो जदि न देछि किछि भी कथा नै तुमको रो नॉट देछि 3 क्यू / पाई आर क्यू नै कि पाई आर क्यू कैंसिल 3 3 कैंसिल क्यू पाइले आंसर एटा हला ट्रिक्स जहां देइथिला सेटा पाइलो पाइलो यस मैम बुझिलो जहां देइथिला सेटा पुनी बुली बुली आसी तमे सेठी पहुंची गलो किंतु क्वेश्चंस रे तुमको टोटल चार्ज बाहर करिवा सो क्वेश्चंस रे ऐड करिवो एंट्रेंस रे जो क्वेश्चंस आस्थिला से क्वेश्चंस रे कोन थिला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पुनी पचारी छि माने भाबो हमको टोटल चार्ज बिन दे छि टोटल चार्ज केनती पाइलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दरकार सो ता पई के केतरा जिंस हम तुमको कहिबी इलेक्ट्रिक फील्ड केमती कोन बाहर करछन सब रीजन ने बाहर करबा लाइन ने प्लेन शीट रे स्फीयर रे त मते एटी स्फीयर दे छि म फर्स्ट स्फीयर कथा कहू छि हमें गोटे स्फीयर नेले म गोटे होलो स्फीयर नेली होलो स्फीयर भितरटा रे कोन थिबो ब्रजेश सर होलो स्फीयर गोटे नोछन होलो स्फीयर भितरे कोन रहि छि को समस्त अविनाश ममता स्पंदन केते पिला गुडा अछो साहिल नहीं कोन अछि खाली थियो खाली थिता खाली थियो खाली फंका लेट अस कंसीडर ए होलो स्फीयर लेट अस कंसीडर ए होलो स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर ठीक अछि हैना तुमको मु एबे पचाली फाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिफरेंट रीजन ऑफ दिस स्फीयर इन द डिफरेंट रीजन ऑफ दिस स्फीयर मींस आमे कोन बाहर करि परिबा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर बाहर करिबा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड स्फीयर बाहर करिबा एंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फीयर बाहर करिबा ठीक अछि रोहन रोप्य जे भी आदि नुआ आसी छ किछि भी प्रॉब्लम होबनी बुझय उठो किछि भी प्रॉब्लम नै फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फीयर ठीक अछि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मु कहू छी स्पंदन कहिलु भितरटा फंपा किछि नाही किछि अछि हलो अछि भितरटा रे किछि नाही मु जदे आ भितर गोटे चार्ज रखिबि रहिबो कहिलु कह
आमे आ भीतर गोटे चार्ज रखिले रहिबो कि नो मैम रहिबनी चार्ज आमे रखिले रहिबनी एते म कहली बाय अप्लाइंग गॉस लॉ म कहली इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड केते बाहर करियो बाय अप्लाइंग गॉस लॉ गॉस लॉ कोन कहउचंती सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट एस और नो एटा हमरा गॉस लॉ This is the application of Gauss law. जहाँ भी पढ़ हिलो, previous questions भी applications of Gauss law. So, what is the electric field inside a hollow sphere? Let us consider. हाँ, कौन है लाकू? हम zero पे. हाँ zero जे, मैं कहीं दो जी सुना. Zero टा है लामे पाउँ चुन्दी. कौन है मैं कोरी बे? इटा zero आमे जानी पर चुन्दी. किन्तु मैं solid sphere नेले पढ़ते पुने कोरी आगे पढ़ी बता. तो देखो, actually जिनसो ना zero केंद्री पाउँ चुन्दी. Let us consider electric field inside. Electric field inside माने आ भीतर रीजन ने हम कोठी गोटे कोन करबा मु गोटे नेबी इमेजिनरी सरफेस ड्रा करबा इमेजिनरी स्फीयर. Let us consider a radius small r which is less than capital R. देखिलो हबो कि नहीं? Electric field inside ता माने हमें गोटे रेडियस नबा स्मॉल r जोटा की कैपिटल आर टू सान बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मोर दरकार स्फीयर रे देखो मु जोटा ड्रा करली हबो कि नहीं हेला कि रे हां कि नहीं कुहो यस मैम यस मैम फील्ड इनसाइड हमे करू छंती स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर व्हाट इज द स्मॉल आर ये जो स्मॉल आर हमे कहिले एथी जो स्फीयर कहिले दिस आर गॉसियन स्फीयर गॉसियन सरफेस दिस इज गॉसियन रेडियस ऑल तमे जहां भी नबो दिस इज ऑल योर इमेजिनरी कांसेप्ट इमेजिनरी रेडियस ओरिजिनल इज योर कैपिटल आर ओरिजिनल स्फीयर इज दिस वन दिस इज आवर इमेजिनरी स्फीयर दिस इज आवर इमेजिनरी रेडियस बुझि पाले बे गॉसियन रेडियस हमें ताको नै कहबा गॉसियन रेडियस गॉसियन स्फीयर हम कहउ छथि e into ds इलेक्ट्रिक फील्ड रहिला ds रो इंटीग्रेशन केते s कि नै ds रो इंटीग्रेशन त s हबो ना s मींस सरफेस एरिया हां कि नै यस मैम तो हम कहली e into s व्हाट इज द एरिया ऑफ गॉस स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर को आर नबा स्मॉल आर ना कैपिटल आर ना कैपिटल आर स्मॉल आर ना स्मॉल आर बड़े माने रखो स्मॉल आर काहे कि लेफ्ट साइड जेते बळ तमे कंसीडर करबो ऑलवेज कंसीडर योर गॉसियन रेडियस एंड गॉसियन स्फीयर गॉसियन एरिया बुझि पाला हबे हमको स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर पचारी छी दैट मींस मु एथि ने बी स्मॉल आर बुझि पाला इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट जेहेतु दिस स्फीयर इज योर होलो स्फीयर देयर इज नो मटेरियल किछि भी नाही ता भीतर सम चार्ज रखि परबिनी चार्ज इज 0 0 बाय एप्सिलॉन नॉट इज योर 0 यस और नो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फीयर इज इक्वल टू 0 हां कि नाही 4 पाई आर स्क्वायर को डिवाइड कर देले 0 हबो नी पाइला समस्त बुझिलो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो स्फीयर इज 0 सरला स्पंदन होउछि किरे तापर मु कहिबी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर तमे माने मन रखिबो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर मींस स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर लेट अस कंसीडर ए चार्ज क्यू हियर 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 जहां भी दियो आउटसाइड द स्फीयर मैम आउटसाइड द होलो स्फीयर आउटसाइड द होलो स्फीयर होलो स्फीयर एटा सबु तक होलो रो बाहर करछन्ते हमें सॉलिड को जाई नहंती हला सो मु कहली लेट अस कंसीडर ए चार्ज इज सिचुएटेड एट हियर हमें एही चार्ज एही पाखरे आउटसाइड द स्फीयर रे कोठो रे चार्ज रखिले देन हमको कोन दरकार अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ e वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट s और नो हमको चार्ज ता एनक्लोज होबा दरकार सेथि पे त मु फ्लक्स पढाइथिली एनक्लोज होबा दरकार मींस लेट अस कंसीडर ए गॉसियन रेडियस व्हिच इज ग्रेटर देन कैपिटल r s और नो जदि मो कैपिटल आर ने कि गोटे स्फीयर ड्रा करली देन दिस चार्ज इज क्लोज्ड यस और नो समस्त बुझिला बे हैला एबे मते को ई वेक्टर रहिला इनटू डीएस वेक्टर मींस इंटीग्रेशन इज एस एस मींस एरिया एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर हमर गॉसियन रेडियस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट मोर चार्ज टा क्लोज हे गला सरला दैट मींस एबे जतले मो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड तमको कहिबी केते बाहरला इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर देखो हैला कि नहीं
सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इक्वल टू केते पाइली 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन वैल्यू इज के क्यू बाय आर स्क्वायर ठीक अछि देखो हेला पाइलो समस्त यस मैम यस मैम समस्तक रह गेला बुझिलो समस्त कह हां कि नहीं अविनाश प्रदेश सुजत जन अछ स्पंदन हेला रोहन रप्य यस मैम यस मैम देखो मु जदि पचारी बेबे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस तमे आराम से कहि परिबो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस हम पचाला माने ऑन द सरफेस माने सरफेस ऊपर कोठो गोटे नहीं कि स्फीयर रो सरफेस ऊपर कोठो गोटे बाहर करिया दैट मींस ऑन द सरफेस मींस आवर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर यस और नो यस मैम दैट मींस तमे एते बाहर करबा अपेक्षा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जहां पाई छ सेटी जदि मो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट कर देबी ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस पाई जेबी के क्यू बाय कैपिटल आर बुझि गेलो बाहर यस मैम कले भी सेम पाइबो बाहर ला भी मो जदि स्मॉल आर जगह कैपिटल आर पुट करियो बाहर ला भी के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर हैला बुझिलो मन दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बुझिबो कोन पाई ए रीजन गुडा इलेक्ट्रिक फील्ड बुझिले ही पोटेंशियल करबो सेम केस तुमको आसीबो फाइंड पोटेंशियल इन डिफरेंट रीजन ऑफ ए स्फीयर इन डिफरेंट रीजन ऑफ होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर बुझिलो हैला कि रे एबे सुनो एबे बाहर करबा फॉर सॉलिड स्फीयर फॉर सॉलिड स्फीयर सब पढ़े सल्ला परे फर्स्ट क्वेश्चन जहां करैथिली ओटे चार्ज डेंसिटी देथिली से क्वेश्चन को रिटर्न दिबा फॉर सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करिवार अछि इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर मतलब यहां पे क्या ड्रा करेंगे लेट अस कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर ठीक है सो इन डिफरेंट रीजंस फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड in different region means electric field inside electric field outside electric field on the surface okay electric field inside electric field outside electric field on the surface mein electric field outside or electric field on the surface jo hua tha hollow sphere and solid sphere mein jo hoga wo same hoga ki nahi isme to kuch change nahi hoga nahi on the surface aur outside tumhe yes ma'am raha pai cha it is same pai pa only changes change ta quote asibo inside in case of hollow sphere inside is empty but in case of solid sphere that means tamara kichi solid material kichi jinsa ta bhitare achi ha ki nahi kichi jinsa achi jo thire ki mu jodi charge ta rakhibi ta asta rahi paribo because solid nahi ki material ta fill achi jodi ame charge gote rakhiba charge ta rahi paribo ki nahi koh mate यस मैम रही परबो तमे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस होलो स्फीयर जहां पाइलो सॉलिड स्फीयर सेम पाइबो बट आमे जदि सॉलिड स्फीयर रे इनसाइड बाहर करू छंती इनसाइड जदि बाहर करबा देखो केमती नबा इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर मींस स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर यस और नो दैट मींस कंसीडर ए रेडियस स्मॉल आर व्हिच इज ग्रेटर लेस देन कैपिटल आर एंड कंसीडर ए स्फीयर तमे कहिबो एई जो स्फीयर आमे कहले दैट स्फीयर इज आवर गॉसियन स्फीयर सरीला बुझिलो दिस रेडियस इज आवर गॉसियन रेडियस इमेजिनरी रेडियस से सब सरला एबे बुझिलो एटा ए जिंसटा अप्लाइंग गॉस लॉ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट एस और नो समस्त बुझिलो एबे ई वेक्टर इनटू मे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करूची ई वेक्टर इनटू डीएस इंटीग्रेशन इज एस s means 4 pi r square ki nahi haan ki nahi sabu bale left side small r rakhibo barambar kahuchi change karibani 4 pi r square kale equal to q enclosed by epsilon not dekhilo q enclosed ko rho into volume enclosed by epsilon not likhi paribi ki nahi yes or no yes ma'am dekha samasya hoba ki nahi yes ma'am nahi रो इक्वल टू चार्ज पर वॉल्यूम सोटा अगर रो चार्ज पर वॉल्यूम है तो क्यू क्या हो जाएगा यहां पे देखो रो इनटू वॉल्यूम यस और नो ठीक है रो इनटू वॉल्यूम एनक्लोज्ड हुआ है यहां पे वॉल्यूम एनक्लोज्ड मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर फार्मूला क्या है 4 / 3 पाई आर क्यू
very good 4 by 3 pi r cube very good 4 by 3 pi r cube throw by epsilon not as it is volume of the sphere is 4 by 3 pi r cube ko r nabo small r ki capital r smaller because volume enclosed se region bhitare jati ki enclosed achi 4 pi r cube thik achi ye 4 pi r cube dekhilo eta r square thiba na ki left side thik achi ye 4 pi r square 4 pi r cube is cancelled so electric field inside is your rho r by 3 epsilon not yes or no yes ma'am bujhila mor question asthila the value of electric field inside a solid sphere where electric field option ne thila directly proportional to r inversely proportional to r directly proportional to r square inversely proportional to r square your answer is electric field inside a sphere is directly proportional to r mane rakhiyo bhuli bani mane rakhiba dekho pailo tumi hela ma काई हो रे पार्टी कर जो म्यूट है जा मा किछि करिवे नि बुझिलु ब्रजेश सर डाक्चुटी गायत्री ममता हो छ कि रे बुझिलो यस मैम यस यस मैम प्रत्यक्ष वेरी गुड प्रत्यक्ष देखिलो एटा पाइलो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जदि बु मॉडिफाई करूची रो टा कोन चार्ज पर वॉल्यूम के नहीं नहीं कि रे चार्ज पर वॉल्यूम जदि हमें रखीबा चार्ज पर वॉल्यूम क्यू इनटू आर वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मींस एठी मो टोटल नेबी स्फीयर रो वॉल्यूम सेठी सिना वॉल्यूम एनक्लोज्ड करथिन ए रो पाखर मो नेबी टोटल वॉल्यूम एनक्लोज्ड दैट मींस 4 बाय 3 पाई आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब एटा भी गोटे फार्मूला आछी सेति पई कहिदेली 4 बाय 3 पाई कैपिटल आर क्यूब इनटू तमे केते पाइथला एठी 3 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज नै कि ए3 तमर हे गला कैंसिल देखिला तमे बे केते पाइबो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रे 1 by 4 pi epsilon not k q small r by capital q dekhilo hobo r q hela kire ha ki nai kou no yes ma'am harila sanla kam ma'am k kinti hela 1 by 4 pi epsilon not thila to 1 by 4 pi epsilon not value ta k nahi ki हां 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 सेटा मन रखबो ना अपनी वैल्यू भी मन रखबो 9 × 10⁹ एबे रिटर्न चलो फर्स्ट क्वेश्चंस रे तमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कोन दैथिला रो ऑफ आर क्वेश्चन व्हाट इज द क्वेश्चंस रो ऑफ आर इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर एटा थिला टी फर्स्ट क्वेश्चन सेटा टोटल चार्ज तमको जो पचार थिला से टोटल चार्ज एक्चुअली तमे जानिबा पई के म कहली केमती कोन इंटीग्रेशन ता करथ न होले टोटल चार्ज क्वेश्चंस नै क्वेश्चन हैला को फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर फॉर व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एंड आल्सो फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्वेश्चन हैला एटा माने क्वेश्चंस एक्चुअल एंट्रेंस रो ऑफ आर देछि इलेक्ट्रिक फील्ड पचारी छि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पचारी छि एंड व्हाट इज दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पचारी छि माने भाबो क्वेश्चंस ता केमती अछि सो मते बे को फर्स्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पे गामो को इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट दरकार नहीं फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड मु कहिबी सब बले माने रखियो मैक्सिमम फील्ड दे मींस इलेक्ट्रिक फील्ड आमे इन द आउट इनसाइड द सरफेस सब बले नबा मु कहली ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन स्मॉल आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर कोठो आमे नबा रीजन ता बाहर करिवा स्मॉल आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर मन रहिला सब बेले पई मैक्सिमम मिनिमम देले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा स्मॉल आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर मींस स्मॉल आर एक्चुअली लेस देन आर रे बाहर करबा इनसाइड द बाहर करबा
According to Gauss law, E vector dot ds vector equal to ame lekhile q enclosed by epsilon naught. That q enclosed means rho dv already ame pai sarleni. Jota ami previous padhi sarchi total charge bahar kale. एबे मु कहली कोन इलेक्ट्रिक साइड मोर इन 4 पाई आर स्क्वायर ऑलवेज नव गॉसियन रेडियस ऑलरेडी मु कहली एबे बुझा हला इंटीग्रेशन रो डीवी बाय एप्सिलॉन नॉट यस सर नो बुझिला एबे समस्ते किंतु तमु के थे पचार छ मु इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन सपोज मु कहली स्मॉल आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर मु कहली लेस देन आर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करिवार अछि मैक्सिमम फील्ड पाई फर्स्ट इनसाइड बाहर करबा देन आमे जिबा एबे मते को r लेस देन इक्वल टू r मींस मु इंटीग्रेशन ने भी 0 टू कैपिटल r ना 0 टू स्मॉल r को समझते तो मैं e 4 पाई r स्क्वायर जो q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखी थान तो दैट q एनक्लोज्ड इज नथिंग बट योर रो dq बाय dv So dq is equal to rho dv. Q is equal to integration of rho dv because already rho given achi. So emti kariba. Mue be kohili inside electric field bahar kocho. Tahale rho rho jo limit ta achi ba r rho kon na ba? Capital R na smaller? Smaller. Sabko bale r less than r means small r na ba. Kouthi bhi capital R na bani. Only jatala tamko small r equal to capital R deji set na ba. Inside means tamme na ba smaller. आउटसाइड थिले मुने भी कैपिटल आर मु अपन त आउटसाइड त मु किछि बुझौनी बिकॉज़ इनसाइड रो क्वेश्चन रहिला लेफ्ट साइड ई इनटू 4 पाई आर स्क्वायर एज इट इज रहिला 1 बाय एप्सिलॉन नॉट रहिला आमो को एबे दरकार इंटीग्रेशन 0 टू आर रो डीवी रो काम इंटीग्रेशन 0 टू आर रो डीवी ऑलरेडी तमे बाहर करि सालोनी जानि परिबो रो नॉट एज इट इज बाहर को गला इंटीग्रेशन 0 टू आर 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर डीवी What is the value of dv? R square sin theta dr d theta d phi yes or no? Bujhai sarleni already? Rho not as it is. Yes, ma'am. Sin theta d theta d phi value kete directly kohili lekhibo ebe 4 pi yes or no? Yes. Very good. Ebe 0 to r rohila 1 minus small r by capital R into r square dr. Bas r integration hobo. Salla bujhila? हेगला एबे मारो देखो 4 पाई रो नॉट एज इट इज r स्क्वायर dr इंटीग्रेशन के r क्यूब / 3 तो r क्यूब / 3 डायरेक्टली करू छी लिमिट 0 टू r माइनस 1 बाय r बाहर को जीवा एज r इज कांस्टेंट कैपिटल r मींस ओरिजिनल रेडियस जोटा के गिवन व्हिच इज कांस्टेंट r इनटू r स्क्वायर इज योर r क्यूब इंटीग्रेशन इज इक्वल टू r 4 / 4 यस और नो लिमिट इज योर 0 टू r बुझिलो यस मैम सल्ला एबे देखो 4 पाई रो नॉट ओके आर क्यू अपर लिमिट तमर स्मॉल आर अछि एथि भी स्मॉल आर अछि किछि चेंज होबर नै आर क्यू / 3 लोअर लिमिट 0 किछि आउ दरकार नै पुट करिया माइनस 1 / आर रहिला एथि भी अपर लिमिट आर अछि म रखिली आर 4 / 4 हां कि नै लोअर लिमिट 0 किछि काम नै रहिला देखो हला कि नै के बुझि पालानी जदि पचार जल्दी पचार बुझल हाँ हेला कि ना ना जदि पचार आउ थे जदि हेला ठीक अच्छे जीबी नेक्स्ट हेला तो यस मैम एबे मते कहो तुमको लेफ्ट साइड केते रे मु छाड़ी थिली e इनटू 4 पाई आर स्क्वायर गोटे क्वेश्चन पाई केते हम करिया पड़ियो मु तुम कोन कहि छी क्वेश्चन कोन तुमको चार्ज डेंसिटी ता देला एंट्रेंस रे पड़ी थिला एंड को एंट्रेंस मु कहू छी तो चार्ज डेंसिटी दे छी पड़ी थिला एंट्रेंस रे जोटा जी टॉप एंट्रेंस हम कहू तो सब दउ छ क्वेश्चन अछि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल r फॉर व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एंड आल्सो फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एतिक हेला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एंड आल्सो फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ
ता पाई आमो को इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट इनसाइड बाहर करियो पड़िबो ता परे मु कहबी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड केते हबो सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एबे बाहर करतो गोटे गोटे क्वेश्चंस हबो संगे संग गोटे गोटे ट्रिक्स थाय अप्लाई करियो गोटे गोटे क्वेश्चन करियो पड़िबो एते भी नाही कि संगे संग देखि कि हेइ जइबो सो एबे तमे राइट साइड केते पाइछो 4 पाई रो नॉट r cube by 3 minus r 4 by 4 r yes or no jota ki mo right side paili ebe bujhilo samaste hela sala ebe mate kho e 4 pi r square e 4 pi e r square cancel hei jibo tale electric field mu kete paili kahilo 4 rho not by rho not into r by 3 minus r square by 4 r thik achi dekhilo एप्सिलॉन नॉट गोटे थिबो नहीं कि रे ठीक अछि ई डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट नथिबो क्यू एनक्लोज्ड त मोइसना एते बाट बाहर करले डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट त एज इट इज सेट त रहिबो बुझिलो समस्त हैला यस मैम वेरी समस्त कहला कि नहीं वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटाय क्वेश्चन पढेया को तमको म सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर इनसाइड केमती आउटसाइड केमती बाहर करिबा तापर आसीबो हेला समस्तंकर सेटा म कहली एबे तमे ताको अप्लाई करिवनी तमे डायरेक्टली क्वेश्चंस जहा दब अप्लाई करिवो तमको क्वेश्चंस एंती चार्ज डेंसिटी त देइथिबो 3-4 टा क्वेश्चंस तमे क्वेश्चंस केमती करिवो तमे बाहर करिवनी स्फीयर र मोर इनसाइड एते थिला आउटसाइड एते थिला ताको देखिया दरकार नै मोर फॉर्मेट कोन जेमती एटा म बाहर करली एबे हेगला तमको एबे क्वेश्चन कोन पछछि फाइंड द वैल्यू ऑफ r फॉर व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम मींस आमे तार कोन बाहर करिबा डेरिवेटिव इक्वल टू 0 यस और नो कहिथिली फोर्स वाले गोटे ए क्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स क्यू इनटू क्यू माइनस क्यू फाइंड द मैक्सिमम फोर्स कहिनथिली सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ r फॉर स्मॉल r फॉर व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम दैट मींस डेल e बाय डेल r इक्वल टू 0 कि नहीं मैक्सिमम फील्ड पचारी छी मैक्सिमम फोर्स पचारी छी दैट मींस तंकर डेरिवेटिव 0 डेल ई बाय डेल आर 0 तमे कह मैडम हम डेल आर काई कि नेले डेल कैपिटल आर काई कि नेले नि जहां पचारी थिबो विथ रिस्पेक्ट टू सेटा नेले ही पाइबा हमहु पचारी फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर फॉर व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम तो डेल ई बाय डेल आर इक्वल टू 0 बुझिलो एबे समस्त हैला सल्ला कि रे यस मैम ता पर एबे सुनो डेल ई बाय डेल आर जदी 0 हला एबे मते को डेरिवेटिव केते हबो 4 रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट किछि काम अछि तांकर काम नाही 0 रे डिवाइड करो सरला काम r बाय 3 रो डेरिवेटिव केते 1 बाय 3 यस और नो जल्दी जल्दी करिबो सबले माइनस 1 बाय 4 r कांस्टेंट एज इट इज r स्क्वायर रो डेरिवेटिव केते 2r की 2r रोहन r स्क्वायर डेरिवेटिव 2r 2 केते अछि इक्वल टू 0 सरला काम सरला ताहेले एबे मु कोन पाइली 1/3 इज इक्वल टू कैंसिल कर देले मु पाइली r/2r तमको पचार छि r रो वैल्यू हां कि नहीं देखिलो r वैल्यू केते पाइलो 2 इनटू कैपिटल r/3 ठीक अछि हे गला के बुझि पालानी को ललित हेला कि रे प्रजेश सर गिरिजा समस्त हेला स्पंदन यस मैम प्रकाश एत्ते पिला अच्छा पर सुप्रत सब हैला कि रे यस मैम सरला सुनो एबे मु पाई गले r इक्वल टू 2r बाय 3 मैक्सिमम को क्वेश्चंस रे ए r रा वैल्यू ही पचैते आ किछ नो एथिरे से तुम r पछि कि इफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल r तमे जदि पाउ छ देन व्हाट इज द मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ ता माने कोन मोर फील्ड स्ट्रेंथ वैल्यू जहां थिला मु केते रे पाइली स्मॉल r जोटा को मु कंपेयर करली इलेक्ट्रिक फील्ड डेरिवेटिव 0 सहित जो ने कि हमें करले मु सेरे केते पाइथिली रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट r बाय 3 हमें केते पाइथिले माइनस r स्क्वायर बाय 4 r एटा पाइ नथले एटा रो डेरिवेटिव 0 करी कि मु r पाइली 2r बाय 3 एई जो r ता पाइलो 2r बाय 3 ए r रो वैल्यू टा को केवल पुट करियो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मु पाइली रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट 1/3 रहिला स्मॉल r जगह रे मु पाइली केते 2r बाय कैपिटल 3 माइनस जोटी स्मॉल r सेइ के बोले वैल्यू टा पुट करिया कथा 1/4 r मोर अछि r स्क्वायर मींस 2r बाय 3 रो स्क्वायर 4 r स्क्वायर बाय 9 देखिलो हबो कि नाही हेला एमते 2-3 टा क्वेश्चन करले भी काफी आराम से हे जइबो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट रहिला
एठी तमे केते पाइलो 2r 9 माइनस एठे आर आर कैंसिल कर देले 4 4 कैंसिल कर देले तमे बे केते पाइलो r 9 ताले केते पाइलो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देखिलो e मैक्सिमम आमे केते पाइले रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 2r माइनस r केते इज r 9 पाइलो सल्ला रो नॉट इनटू r 9 एप्सिलॉन नॉट काम स्लाइड अथि ऑप्शन ने बुझिलो जदी रो नॉट रो वैल्यू दिथु कोन गोटे पुट करो जहा देथु सबले n रे पुट करबो इनिशियल लु पुट करले ताको कैरी करी करी आनिबो सपोज रो नॉट वैल्यू पुट करो एटा r इज इक्वल टू देला गोटे तमे सबले सॉल्यूशन करि सारला परे n रे ही वैल्यूज गुडा पुट करबो केबे आगे पुट करबेनी आगे पुट करबो कैरी करी करी आनिबो कोठी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन थिबो सेथिरे पनी कंफ्यूज होबो सबले n रे पुट करबो त मो पाइली मोर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रो नॉट r 3 एप्सिलॉन नॉट आसीबो एबे एंति देले चार्ज डेंसिटी किछ गोटे देछि त मो पतर थियो बाहर कर एंति टोटल चार्ज केते इलेक्ट्रिक फील्ड केते मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड केते बाहर करि परिबो जेमिति मु इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करलि इन डिफरेंट रीजन ने बने रखिबो केमति बाहर करछन्ति पोटेंशियल जेतले बाहर करिबो सेमति दिबो बिकॉज़ पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू आर ईडीआर इलेक्ट्रिक फील्ड जणा थिले पोटेंशियल जाके पढिबो सो आजिर जहा भी पढैली एटा तम पई बि नुवा रोहन रौप्य स्पंदन तमनन पई बि नुवा समस्तन पई नुवा किछ गोटे प्रीवियस पाठ नै तो बुझिलो तम माने गायत्री ममता प्रत्याशा सब बुझिलो न्यू भुवनेश्वरी हमरो आउ जने शुभस्मिता शुभस्मिता थिला ना कोन नमस्कार स्मृति स्मृति आज्ञा कते बुझिलो स्मृति पछरे हां आज्ञा हो ताहले हो ए क्वेश्चंस गुडा कंटिन्यू करिवो एटा कंटिन्यू करिवो पुनी मंडे हेले काइनेमेटिक्स पढिवो तापर पुनी कंटिन्यू करिवो दुटा क्लास पर हेला काली मुने एई नथिली ना काली रो क्लास ता नो मैम संडे दिन फांका छ मॉर्निंग।